शुरुआत करते हैं वेजिटेरियन सैलेड के साथ। जी हाँ, ये जो सैलेड बनाना है इसको बनाने के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है। अब तैयारी में क्या करना है, एक्चुअली कुछ सब्जियां वगैरह हैं उसको काट पीट देते हैं और बस बन गया सैलेड। नहीं नहीं, प्यार से करिए। तो अगर प्यार से करना ही है तो चलिए सबसे पहले ये कैप्सिकम ले लेते हैं और ये कुछ और चीज़ें हैं मेरे पास, इसको ले लेते हैं। और कैप्सिकम ये लीजिए, हरी कैप्सिकम। ये कैप्सिकम इसके जो पीसेस हैं ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पर ये हमने काट लिया कैप्सिकम। और ये मेरे पास गर्किन, अच्छा ये जो गर्किन है ये काटने हैं। और ये कुकुम्बर को पिकल करके फिर बनाए जाते हैं। इंडिया से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है इसका, इंडिया में ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है इसकी, लेकिन बनाया बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये पिकल्ड कुकुम्बर एक तरह से, और इसी तरह से ये मेरे पास पिकल्ड अनियन। जी हाँ, ये पिकल किया हुआ अनियन। इसके साथ साथ थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स हाफ्स में कटे हुए ऑलिव। ये सारी सब्जियाँ तैयार। अच्छा, इसमें पनीर की बात की हमने, तो ये पनीर जो है इसको काट लेते हैं। और पनीर को हमने काट लिया, इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले ये मेरे पास कॉर्न और जो सारी चीज़ें हमने काटी ये ले लेते हैं, कैप्सिकम, गर्किन, पिकल्ड अनियंस, ऑलिव्स। और फिर ये जो सैलेड लीव्स हैं, हाँ इसको अच्छी तरह से धो के फिर इसका इस्तेमाल करें, और पानी इसमें नहीं होना चाहिए। ये हो गए पत्ते तैयार। और ये मेरे पास कॉर्न, कॉर्न के दाने पके हुए ठंडे। और ये कॉर्न, हाँ इसमें से भी पानी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। और अब इसकी जो ड्रेसिंग है, बड़ी सिंपल सी ड्रेसिंग मैं तैयार कर रहा हूँ। और ये जो ड्रेसिंग है इसमें ये मेरे पास मेयोनीज आजकल बाज़ार में आसानी से मिल जाती है और एगलेस भी मिलती है, तो इसलिए आप अपनी पसंद की मेयोनीज ले लें। और फिर इसके अंदर थोड़ी टमाटो केचप, ज़्यादा नहीं, ये देखिए। और इसे तीखा बनाने के लिए ये विनेगर वाली चिली सॉस, ये देखिए, पतली होती है, तीखी होती है, खट्टी होती है। हाँ, तीखा कम करना है तो ये कम डालें। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। और अब ये जो हमारे पास है ये ले लेते हैं। अब ज़रा इसके अंदर ये पनीर को तोड़ के डालना है। ये देखिए, पनीर काटे नहीं। और ये अभी देखिए इसका कमाल, ये पनीर ले लिया। और अब इसमें ये ड्रेसिंग, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे ड्रेसिंग को। और ड्रेसिंग हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करनी है हल्के हाथ से। ये देखिए, ड्रेसिंग सारी इस पर लग जानी चाहिए। ये ड्रेसिंग सारे सैलेड जितनी हैं चीज़ें इसके ऊपर लग गई। और अब फाइनली ये जो पनीर है ये थोड़ा तोड़ के इस तरह से, यानी कुछ जिस पे ड्रेसिंग लगी हुई हो और कुछ जिस पे ये ना लगी हुई हो, बस अब इसे सर्व करने के लिए। ये देखिए मेरे पास ये आ गया। और अब ये देखिए, कॉर्न और पनीर के साथ बढ़िया सी ड्रेसिंग वाला तीखा सैलेड, और खाने में बढ़िया। अब जो सैलेड इतना बढ़िया दिख रहा हो तो खाने का तो दिल करेगा ही। चलिए बनाइए इस सैलेड को और मज़ा लें। Food, food, it's sizzling.